शांत हो जाओ बच्चों। आप सभी ने शिक्षक दिवस को इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आपको शिक्षा के जगत में और आगे ले जाने वाले तमाम गुरु हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से आपको एक अच्छे डायरेक्शन में पहुँचाने का प्रयास किया और आपको और अधिक बुलंदियों पर पहुँचाने का योगदान हमारे शिक्षक का जैसे जैसे टेक्निक रहेगा उस तरीके से आपको बताते जाएंगे। तो इसी क्रम में आप सबको एक और अच्छा नॉलेज देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय, हमारे बीच में उपस्थित है राजेश पांडे सर जी। और सबसे पहले बता दें, हमारे गुरु भी रहे हैं गुरु जी। MSc जब मैं कर रहा था तो MSc का शिक्षा जो है मैंने सर से ही ग्रहण किया है, MSc में सर ने मुझको पढ़ाया है। आज जो भी कुछ हैं सर का उसमें बड़ा विशेष योगदान है और हम अब सर से निवेदन करते हैं, सर आप आइए और अपने मुखारविंदों से बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रदान करिए। धन्यवाद संदीप जी। जैसा कि आज हम लोग 5 सितंबर को इस शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं शिक्षक दिवस, हाँ कृपया शांत हो जाएं आप लोग। देखिए, शिक्षक दिवस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में एक ऐसा गुरु हो, एक ऐसा शिक्षक हो जो आपको बुलंदियों तक पहुँचाए, और उसके लिए आपको खुद गुरु को ढूंढना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य नहीं भ्रांत भवन में फंसे रहना, तुम पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे चाह न हो, राह न हो। तो इसलिए जीवन में एक गुरु की तलाश होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको एक गुरु मिल जाए, पैर पकड़ लीजिए, पैर पकड़, जैसे हनुमान जी श्री राम जी के पैर को पकड़ लिए, जहाँ जहाँ श्री राम जी गए वहीं वहीं हनुमान जी गए। तो वैसे भी आपको क्या करना होगा, गुरु के मार्गदर्शन में रहें और एक गुरु आपको सही दिशा में सही जगह पहुंचाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत थोड़े में बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया। अगर आपको अपनी बुलंदियों तक पहुंचना है तो शिक्षक का चूज खुद आपको करना है। आइए इसी कड़ी में और हम बुलाना चाहते हैं, हमारे बीच में आदरणीय दीपक सर जी उपस्थित हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप उनके मार्गदर्शन में शिक्षा को ग्रहण भी कर रहे हैं। तो सर से हम निवेदन करेंगे, सर आप आवें, अपने मुखारविंदों से बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रदान करें। सर थैंक यू सर। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। बस मैं 2 लाइन में अपनी बात ये ख़त्म करना चाहूँगा। अभी पांडे जी ने आपको बताया कि किसी एक की ज़रूरत आपको ऐसे टीचर की होगी जो आपको आगे ले जा सके, ठीक है। और पहले भी मैं आपसे बताता रहा हूँ कि शिक्षा का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप एक डिग्री पा गए, आप कुछ आगे कर गए। शिक्षा का मतलब हो गया कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी वजह से आपका समाज बढ़े, आपकी सोसाइटी में आपका नाम हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपसे जुड़े 4 लोगों का ग्रोथ हो सके। एजुकेशन डे पे कुछ ऐसा ही आप मोटिव लेके आगे बढ़िए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अच्छा सर को किसी व्यस्तता की वजह से जाना पड़ जा रहा है, आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अरे गाना क्या गाना यार, चलिए अभी तो कार्यक्रम चल रहा ना, क्यों परेशान है। तो आइए, जैसा कि आपको हाँ मालूम है, ये पाए इंस्टीट्यूट जो है आपके सपनों को साकार करने के लिए एक संस्था है जहाँ पर आपके सपने सच होंगे। और 2023 में इस संस्था का शुरुआत हम और अरविंद सर ने शुरू किया था। और जो बच्चे हमको नहीं जानते उनको मैं परिचय अपना दे दूँ, मेरा नाम संदीप शेखर है और इसके पिछले साल केमिस्ट्री टीचर में ही हुआ करता था और प्रेजेंट टाइम में है भी, ऐसी बात नहीं है। बस किसी कारणवश मेरा चयन सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मेरा एकलव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो उसकी वजह से हमको संस्था से कुछ दिन के लिए दूर रहना पड़ रहा है हमारे अनुपस्थिति में।
और जैसे अभी दीपक सर और राजेश पांडे सर और हमारे अभी एकदम यंग टीचर हमारे जो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं मिस्टर राहुल सर भी उपस्थित हैं। तो अब हम निवेदन करेंगे राहुल सर जी आप हमें और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ अपने दिशा निर्देश दें। राहुल सर जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। अभी तो हम आप लोगों के बीच में नए हैं लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे आप लोगों से कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपने जो भी सपने देखे हैं भविष्य के लिए वो ज़रूर पूरे होंगे और उसके लिए आपका फुल डेडिकेशन होना ज़रूरी है। फुल जो है स्टडी पे फोकस करना ज़रूरी है और आपने इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट टीचर जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो बेस्ट परफॉर्मेंस टीचर के थ्रू भी मिलेगा आपको। बस आप लोगों को अपना जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और टीचर जो भी आपको गाइडलाइन और जो भी आपको डायरेक्शन दें उसको फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर जी, आपने बड़े संक्षिप्त में बच्चों को मार्गदर्शन दिया और अब हम निवेदन करना चाहते हैं हमारे सहयोगी और हमारे मित्र भाई साहब अरविंद जी कहाँ गए हम बाहर गए क्या अभी आइए अब हम निवेदन करना चाहते हैं। अच्छा चलिए आइए हमारे बीच में बहुत ही अच्छे टीचर लाल सर जी उपस्थित हैं और हम भी निवेदन करना चाहते हैं लाल सर जी आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को अपना मार्गदर्शन दें। हाँ जी बताना लाल सर को लिखने का काफ़ी शौक है तो हम उम्मीद भी करते हैं सर बच्चों हमारे बच्चों को आप जो भी आप लिखते हैं चाहे वो शायरी का माध्यम हो या कविता का माध्यम हो जरूर बीच में। ओके सर आवाज़ बहुत तेज़ है नहीं तो शायद वहाँ तक आप लोगों तक पहुँच पाए, पहुँच रही है तो शिक्षक दिवस की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएँ। पढ़ते आप रोज ही हैं तो पढ़ाई के लिए बात नहीं करेंगे हम लोग जी, अपनी जो मेरे जीवन का अनुभव है मैं वो आपको बता देता हूँ जो हमने समाज सोसाइटी और सीखा है। आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा, अभी जो आपकी अवस्था है पता नहीं आप उस साहित्य को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन दिमाग लगा के समझिएगा कि जब ये उम्र बड़ी होगी, अभी जैसे आप किशोरावस्था में हैं तो ये अवस्था है कोपअप की अवस्था, बदलाव की अवस्था, जहाँ मेंटल बदलाव और फिजिकल बदलाव आपके शरीर में दोनों हो रहे होंगे। ये अवस्था है तूफान की, चेतना की, समझने की, सोली चिंतन की, जैसे अभी आपके अंदर कोई जात पात नहीं होगा, आप सामाजिक बंधनों को नहीं मानते होंगे, आपको लगता होगा जो मेरा समाज है वही वास्तविक समाज है और जो तुम्हारा बनाया समाज है वो वास्तविक समाज है नहीं। आपको अपने माता पिता से सामाजिक मुद्दों पर असहमत होते होंगे क्योंकि आपकी किशोरावस्था में ऐसा होता होगा। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो याद रखें जब पेरेंट्स कुछ कहता है वही सत्य है क्योंकि जो आपने जिया है वो जी चुका है। तो जब वो जी चुका है तो आप सही कैसे हो सकते हैं। अगर आपने एक कोई मैथ्स लगा लिया है जिसका उत्तर एकदम सही था और कोई आकर आपसे कहे कि ये इस तरह नहीं इस तरह लगेगा तो वो सही कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने उसको कर चुका है। तो आपका पिता है इसका मतलब आपके जो माता हैं वो कर चुके हैं। तो जब उनकी बातों को नकारने लगें आप, जब उनके बातों को अस्वीकार करने लगें आप, तो एक बार जरूरी याद कीजिए कि वो कर चुके हैं जो आप कर रहे हैं और उसका रिजल्ट फेल और पास उनके पास है। क्या सही क्या गलत वही सही जजमेंट कर सकते हैं। अच्छा इस उम्र में आप रिश्ते भी बहुत सारे बनाएंगे, कुछ ऐसे रिश्ते जिनका नाम वगैरह नहीं होगा आने वाले समय में, या कुछ ऐसे होंगे जहाँ फिजिकल जहाँ आपको अपना परिवार कम मोहल्ले में दिखेगा और सामने वाला या सामने वाली आपको इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, वो आपको अपना ज़्यादा लगेगा, अपना भाई अपना पिता अपना पेरेंट्स आपको पराया लगने लगेगा। पर वास्तविक रूप से जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका भाई 200 किलोमीटर दूर होगा, रात को गाड़ी लेकर पहुँचेगा और आपका जो बगल वो रिश्ता जो तुमने यहाँ बनाया है वो कहेगा मकान मालिक दरवाज़ा नहीं खोलने आई एम सॉरी।
और व्हाट्सएप पर एक तो इमोजी आएगा बीटाडीन का, लगा लेना। असली दवा वही परिवार करेगा। तो जब भी घर छोड़ना, मैंने कुछ लिखा है याद कर लीजिएगा, कि कुछ तो था जो घर का आंगन दे नहीं पाया। जब भी आप घर से, आपने आंगन से बाहर क्यों आए हैं, तो कुछ तो है उस आंगन में जो आप दे नहीं पाया। कुछ तो था जो घर का आंगन दे नहीं पाया, वही ढूंढने मैं अपना आंगन छोड़ आया। कुछ तो था जो घर का आंगन दे नहीं पाया, वही ढूंढने मैं अपना आंगन छोड़ आया। आकर शहर में भटकते भटकते अब थक गया हूँ, आकर शहर में भटकते भटकते अब थक गया हूँ। थक कर बैठा था एक दिन अपने 10x10 के कमरे में, थक कर बैठा था एक दिन अपने 10x10 के कमरे में, फिर अंदर से ये आवाज़ आया, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, वही जो अपने आंगन में ही छोड़ आया। क्या ढूंढ रहा है, वही जो अपने आंगन में छोड़ाया। तो तुम्हारी जो विरासत है, वास्तविक रूप से तुम्हारा परिवार है। ये दुनिया में तुम्हारा वो कभी अपना नहीं हो सकता जो तुम्हें तुम्हारे पिता के खिलाफ जाने के लिए प्रवोक करे, जो तुम्हारे तुम्हारे बहन के खिलाफ जाने के लिए प्रवोक करे, भाई के खिलाफ जाने के लिए प्रवोक करे, वो आपका अपना नहीं हो सकता, वो हमेशा पराया है। जब भी रिश्ता कोई तोड़ने की बात करेगा, आप ऐसे डिसीजन लेंगे, आप मेरी बातों को याद कीजिएगा, आप भविष्य में ऐसे डिसीजन लेंगे, आने वाले समय में ऐसे निर्णय आपके सामने खड़े होंगे जब आपको परिवार या किसी अन्य को चूज करने में कठिनाई होगी, जब आपको निर्णय लेने में कठिनाई होगी, उस दौरान सिर्फ अपनी परिवार की सुनिएगा। क्योंकि जिस दिन गलती किया उस दिन विनाश शुरू, लौट कर आने का रास्ता कोई नहीं रहेगा। इस पर एक साहित्य है, मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे शहर से निकलकर बड़े दिल वाले लड़के बड़े शहरों में आए हो, इन नाका और देवकाली के बाईपास में कहीं खो मत जाना। समय से आए हो, समय से पढ़ना और समय से वापस लौट जाना, जैसे मजदूर और पक्षी शाम को अपने घोंसले पर वापस लौट जाते हैं। लौटना सबको है, लौटना सबको है, जो जहाँ के हैं जो जहाँ से हैं, लौटना सबको है। बस लौटने की प्रक्रिया में देर मत करना, अगर इससे ज़्यादा देर किया तो ना तुम पूरा पूरा लौट पाओगे, ना तुम पूरा पूरा रह पाओगे, और अधूरा जिया नहीं जा सकता है। इसीलिए समय से आना, समय से पढ़ना और समय से अपने घर वापस चला जाना, लौटने की प्रक्रिया में देर मत करना। जब भी घर से निकलना, मैंने ये पूरी साहित्य अपने ऊपर लिखी है, ये मेरी स्टोरी है, आप इस बात को समझें। जब भी घर से निकलना, इस बात को मेरी याद रखना कि जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। अगर आप घर से बाहर आए होंगे तो ये आप महसूस कर पाएंगे। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। बाबूजी कुछ और बूढ़े नज़र आते हैं, मैं उन्हें कुछ और बड़ा नज़र आता हूँ। मेरी माँ कुछ और भोली हो जाती है, मेरी माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं उन्हें खुद को और समझदार पाता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं खुद को और समझदार पाता हूँ। चेहरे पर झुर्रियाँ उनकी बढ़ रही हैं, कंधे मैं अपने झुके पाता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब माँ बाप आपको डांटना बंद कर देंगे। माँ अब डांटती नहीं है, बाबूजी अब डंडा लेके दौड़ते नहीं हैं, क्योंकि अब मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। पहले घर से लौटते वक्त माँ पैसा देते वक्त ये कहती थी कि बेटी खर्चे की चिंता मत करना, अब घर छोड़ते वक्त यही बात मैं दोहराता हूँ। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। माँ बाप मुझे थोड़े थोड़े औलाद नज़र आते हैं, मैं खुद में थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़े घर बदल जाते हैं, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। जीवन में अपने केवल अपने पेरेंट्स की सुनिएगा, वही आपके सबसे सच्चे दोस्त हैं। बाहर कुछ हो उनसे शेयर करो। आप आधा घंटा बच्चे अपने माँ से आप अपनी कोई फीलिंग शेयर करके देखिएगा, यकीन मानो आपके माँ से बेहतर दुनिया में कोई संबंध बना नहीं सकता। लड़कियाँ, सारे बस की बात नहीं है जब आप घर से बाहर निकलती हैं, पता नहीं आप इस बात को सोच पाएँ कि नहीं, जैसे आप घर से बाहर निकलती हैं ना, एक पिता अपने सात कुला की इज्जत आपके ऊपर छोड़ देता और कहता जा बिटिया जी ले अपनी ज़िंदगी। ये सबके बस की बात नहीं, वो अपने सात कुला की जो पगड़ी है वो तुम्हारे चढ़ों में उठा कर दे देता है और तुम्हें आज़ाद छोड़ देता है। तो
तो जब भी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना हो, एक बार अपने पिता का चेहरा ज़रूर देखें। आप उनसे सब कुछ शेयर कीजिए, यकीन मानिए वो आपसे इस तरह बात करेंगे कि दुनिया में कोई भी संबंध आपसे उनसे बेहतर बात ही नहीं करेगा। हम आप पिता से कैसे बात करें, हाँ पापा पैसा ज़रूरत है, ठीक है, अच्छा देखो कि ना, अच्छा ठीक ठीक कट। कभी यह पूछते ही नहीं हैं कि व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, आप क्या चाहते हो, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, मुझे क्या बनाना चाहते हो, मैं कौन हूँ, मैं आपके सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूँ, आपने मुझे 22 साल पाला है तो मैं आपके लिए क्या 3 साल दे सकता हूँ, तो कैसे दे सकता हूँ। आप बैठिए उनके साथ, आपके पिता से बेहतर दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, आपके माँ से बेहतर दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता। कभी फ़ोन पर आप उनसे आधे घंटे बात कीजिए, देखिए हम आप क्या हैं, अंतर्मुखी हो गए हैं, किसको लेकर, अपने माता पिता को लेकर। हम उतनी बात उनसे करते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है, हम उनकी फीलिंग कभी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स से कीजिएगा, यकीन मानिए दुनिया में कोई मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप घर से बाहर निकले होंगे तो जो बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं उनके लिए है, अगर आप घर से बाहर रह रहे होंगे तो कभी आप घर से निकलते वक्त जब घर अपने रूम पर आ जाइए, फिर अपने आप बोरा खोलिए, और जिस दिन आप बोरा खोलेंगे अगर आपके आंसू से आंसू ना हो जाएं, उन बोरों में जब माता आप निकलते हैं तो मम्मी अपने किचन की सारे अच्छे सामान भर कर दे देती है। जब आप यहाँ खोलते हैं किसी पॉकेट में पाएंगे आप अचार, किसी में घी, किसी में आटा, किसी में चावल, वो सारे अरमान भर कर देती है, सामान भर कर नहीं देती। उस अरमान को यहाँ जीने दीजिएगा, जिएगा और उनसे लगातार टच में रहिएगा, वही आपके प्रेरणा। माता का हृदय बेटे का प्रथम पाठशाला है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसीलिए सबसे पहले अपनी सारी समस्याएं उन तक कीजिएगा, फिर अपने गुरुओं से कीजिएगा, उसके बाद आप अपने किसी संबंध से कीजिएगा। ये बात अगर आपको याद रहेगी आप जीवन में बेहतर कुछ कर लेंगे। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें आप हमेशा याद रखें अपना और अपनों का ख्याल रखें, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सर जी, आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया बच्चों को। और अब हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जो इस कोचिंग के फाउंडर हैं, जो कोचिंग का न्यू डाले हैं, मैं भाई साहब अरविंद जी से निवेदन करता हूं आप आइए और अपने मार्गदर्शन बच्चों को दीजिए और अपने आशीर्वाद वचनों से इनको कृतार्थ करिए। अरविंद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया। जैसे कि लाल सर ने बताया, अभी सुना होगा आप लोगों ने बहुत गौर से, कि सबसे अच्छा दोस्त आपका पेरेंट्स है, उनसे सारी प्रॉब्लम शेयर करनी, देन टीचर देन ये। और बाकी चीज़ों का क्या है कि हम लोग तो अक्सर डिस्कस करते ही रहते हैं क्लास में, तो बहुत ज़्यादा इस पर ज्ञान नहीं देना चाहेंगे, बस आप लोगों को एक बार बधाई देना चाहेंगे और ये आश्वासन देते हैं कि अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए 10% मेहनत करेंगे तो 40% मैं करूँगा, आप 20% करोगे तो 80% मैं करूँगा। तो क्योंकि देखिए, किसी टीचर की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो मैं ही नहीं, कोई भी आपको डॉक्टर नहीं बना सकता। और डॉक्टर बनने की पहली शर्त ये नहीं है कि पैरासीटामोल लिखना, आपको मर्ज पकड़ना होगा, दर्द पकड़ना होगा। आप अपने दर्द और अपने मर्ज का इलाज करना सीखिए। आपको एंजाइटी हुई तो ये नहीं कि उसका अल्टरनेटिव या कोई शॉर्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप देखिए क्यों हुआ। आप अपने उपचार करिए, अपने आसपास लोगों को उपचार करिए। जब आप पढ़ते होंगे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, एक बार तो आपका मन करेगा क्विट कर देना है, छोड़ देना है, कुछ नहीं हो सकता। और आप यकीन मानिए, जैसे कई बार लगता होगा ना कि नीट में 27 लाख बच्चे हैं, मेरा क्या होगा, ये भीड़ कम है। आप देखिए ग्रुप डी, रेलवे, इन सब के एग्जामों के एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, जहां 1.5 करोड़ बच्चे अपीयर हो रहे केवल 10,000-20,000 सीट के लिए, और उसके बावजूद इतने धक्के खाने के बाद और इतने स्ट्रगल के बाद लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो फिर इस चीज़ को आपको एनालाइज करना होगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एक सीक्रेट मुझे जहाँ तक लगता है मंत्र है अपने जीवन का, वो आप कहीं भी, चाहे आप अपने रिलेशन में अप्लाई कर लीजिए, पढ़ाई में अप्लाई कर लीजिए, अपने जीवन में कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, एक वर्ड काफ़ी काफ़ी है जो आपको आपकी सफलता दिला के ही मानेगा, वो है बी लॉयल।
समझ रहे हैं बी लॉयल का मतलब, ईमानदार बन जाइए अपने लिए, एकदम ईमानदार, कि पढ़ना है तो पढ़ना ईमानदार, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अरे छोड़ो पढ़ लेते हैं मूवी देख लेते हैं, ये नहीं, ईमानदार बन जाइए, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, एक ही मंत्र है सक्सेस होने का, बी लॉयल, चाहे वो पढ़ाई हो, रिलेशन हो, लाइफ हो, सब में, आप जीवन में भी जैसे कई बार लगता होगा ना कि आपको आए कुछ लोग चीट करके चले गए और आपको लगता है कि नहीं मुझे भी चीट करना चाहिए, नहीं करना है आपको, उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है आपको, हमेशा एक मंत्र याद रखना, ईमानदार रखिए। अभी नहीं आपको पता चलेगा कि ईमानदारी का क्या महत्व है, जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप ईमानदार थे इसलिए आप बहुत आगे हैं, औरों से बहुत अलग हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गई ज्ञान की बातें, और कुछ जानना चाहे पूछना चाहे तो बता ही सकते हैं। हाँ, कुछ सुना दे शायरी। अच्छा, नॉर्मल शायरी, हंसने वाली सुना दे। अच्छा जी, तो ठीक है, सिर्फ सुनाते हैं, सुनिए। हाँ सुनिएगा थोड़ा। मेरी जिंदगी दारू पी पी के काली हो गई, मेरी जिंदगी दारू पी पी के काली हो गई, उसके चेहरे पर आज भी ग्लो है। मेरी जिंदगी दारू पी पी के काली हो गई, उसके चेहरे पर आज भी ग्लो है, अरे लाडलो धोखो का दूसरा नाम बाबू नेट स्लो है। ठीक है बस, और क्या, एक और और तो यार का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा तुम्हें भी वक्त के साथ, है ना। और चलिए रिलेशन को लेके बोलते हैं, वो रिश्ता ही क्या, वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत ना हो, वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत ही ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें हर रोज़ महाभारत ना हो। ठीक, और अपने हालातों को लेके एक शायरी है। दोनों ही चला रहे मेरे साथ प्यार का चक्कर, दोनों ही चला रहे मेरे साथ प्यार का चक्कर, दिन में मक्खियाँ और रात में मच्छर। चलिए ठीक है, चलिए सर कुछ बोलिए जल्दी। चलिए प्यारे बच्चों, सर से आपने मज़ेदार बातें सुन लिया। अरे पहले इसको तो ख़त्म हो जाने दो। और आपने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको मालूम है, सभी शिक्षक ने बता दिया, कुछ शब्द हम भी बताना चाहेंगे। शिक्षक जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, ठीक ना, चाहे अरविंद सर हो या जो भी शिक्षक आपको यहाँ से पढ़ा रहे हों। अगर आपके अंदर कोई कमियाँ हो, टीचर्स वो जज कर लेता बताए भले ना, लेकिन अगर जिस दिन टीचर बताया कि आपके अंदर ये कमी है, अगर बच्चों ने उसको इम्प्रूव कर लिया, तो ये अपना थिंकिंग है, अपनी सोचना है कि मतलब वो बच्चा हमेशा बुलंदी है, अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा मतलब पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। जो अपने शिक्षक का कहना, वो चीज़ मैंने फॉलो किया और अपने लाइफ में चल कर मतलब मैंने जाना जिस मंजिल की मुझको चाहत थी, उस मंजिल को मैंने अचीव किया। और हमेशा जानते हैं, एक बात कहा जाता है शिक्षा के एजुकेशन के विषय में कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आज के समय में बच्चे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सूट पहनना, ठीक ना, अच्छा हेयर स्टाइल रखना, ये सब समझते हैं मतलब ये जानते शौक है, ये श्रृंगार है, लेकिन हमारा अपना मानना होता है ना। वो राज साहब इस समय तो दुनिया में नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि जिस दिन चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, उस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का समावेश हो जाएगा, उस दिन उसका जीवन पूरी तरीके से श्रृंगार, मतलब कलाम साहब बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन आज दुनिया उनको जानते हैं, उनको कोई ऐसा छोटा सा छोटा बच्चा अगर पूछ लो हु इस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो सीधा बोलेंगे मिसाइल मैन। तो जानते हैं, हमेशा एक उदाहरण बनने का प्रयास, कहने का मेरा मतलब इतना है कि जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर आए हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मतलब जानते हैं आप कर्म और मर मिटो। जैसे लाल सर ने बताया ना, भौतिक दुनिया से एकदम दूर रहो। जिस दिन आप भौतिक दुनिया में भौतिक संबंधों में लिपट गए, उस दिन आपका जानते हैं जिस ऊंचाइयों पर पहुंचे वहां से आप मतलब जानते हैं उल्टी गिनती आपका शुरू हो गया है। और भौतिक संबंधों से बचने के लिए हमने मतलब मेरा ग्रेजुएशन जैसे हुआ और ग्रेजुएशन के साथ जैसे बेड मैंने किया, तुरंत मैंने शादी कर लिया,
ठीक है, जैसे हम भौतिक संबंधों से एकदम दूर हैं, मतलब हम देखे भी अपने आप को, सोचे भी अपने, क्योंकि सपने बहुत बड़े होते हैं, आदमी सपने बहुत कुछ मतलब जानते हैं आदमी सपने, क्योंकि एक शिक्षक ऐसा होता है बच्चों के सामने अगर ओपन होकर बात नहीं करा, बच्चों की उसकी रियल हकीकत के विषय में नहीं बताया, तो फिर वो जानते हैं कि वो शिक्षक भी नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं होता है, शिक्षक का काम होता आपको हर प्रकार से मार्गदर्शन दे, आप गलत रास्तों, क्योंकि अब तो टीचर्स हो गए ना, पहले हम सब जब पढ़ते तो गुरुजी होता था, तो गुरु दो शब्दों से, गु मीन्स अंधकार होता, रू मीन्स प्रकाश होता, ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर चलता हो उसको गुरु बोला जाता, उसको टीचर बोला जाता, उसको शिक्षक बोला जाता है। तो इसीलिए हमको आपसे ओपनली होकर बताना है, मतलब आप भौतिक संबंधों से पूरी तरीके से दूर रहिए, तो इसलिए सपने जो आप सजाए वो आप अपने भविष्य को बनाने के लिए सपने सजाए, वो सपने ना सजाए जो आप मतलब जानते हैं कि बर्बादियों की तरफ चलें। रात में सोते हुए सपने अच्छे नहीं लगते, हमेशा दिन में सोते हुए सपने अच्छे लगते हैं। रात में हम भी सपना देखे, एक दिन हम तो राजा बन गए, हमारी 3 बीवियाँ थीं, ठीक ना, और जब मतलब आके खुला सुबह तो देखे केवल एक ही पत्नी, ठीक ना। तो ये सपने रात के थे, तो दिन के सपने देखना, आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस मतलब जानते हैं, क्योंकि सर ने एक चीज़ बताया, लॉयल्टी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ईमानदारी से मैंने मेहनत किया, आज अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचे हैं, और साथ अपने ग्रुप में मतलब जानते हैं PGT पोस्ट पर मैं अकेला ऐसा गया, इधर मेरा ICMR क्वालिफाई हुआ, और उधर भी देखिए मेरा इंटरव्यू जब भी तब लग जाए, तो मेरा बताने का मतलब नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा बताने का मतलब है मैं आफ्टर मैरिज 10 साल मैरिज के बाद लगातार मैं अपने ईमानदारी से मैंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बच्चों, अगर जिस दिन आपके अंदर ये ईमानदारी आ जाएगी, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता आ जाएगी, आपके अंदर वो सोच आ जाएगी, और जब कभी आप पढ़ो तो पढ़ने के ड्यूरेशन पर एक बार अपने माँ बाप को जरूर सोचकर पढ़ना, तब आप जानते हैं हर एक स्थान पर पहुँचने के लिए एकदम पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। 2 पंक्तियों में अपनी शब्द को मैं एकदम विराम दूंगा, एक छोटी सी कविता है, और वो कविता जो है डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का है, और इस पर अमल ना करिएगा, बस केवल सुनकर हंसकर ताली बजाकर बस ठीक ना इन्जॉय ले लीजिए, केवल इन्जॉय के लिए, ठीक ना। तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने अपने कविता में बोला है कि चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, चांदनी रात में प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारे दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया, एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आप सबसे मिलने के लिए हम जानते हैं छत्तीसगढ़ से यहाँ चले आए हैं, और आज और कल 2 दिन और रुकना है, परसों फिर मेरी फ्लाइट है, हम निकल जाएंगे अपने जहाँ हमारी ड्यूटी है, जहाँ अपना वो है, फिर बीच बीच में आते रहेंगे, उधर हम नवरात्र दशहरा में आ रहे हैं, फिर उस समय में जो कुछ क्लासेज होंगी वो मैराथन क्लास हम लेंगे, अगर छुट्टियाँ नहीं रहेंगी फिर उसका वहाँ विंटर वैकेशन 15-20 दिन का होगा, फिर उसमें जो है हम मैराथन क्लास लेकर जो भी हमको टॉपिक मिलेगा वो टॉपिक पूरी तरीके से हम खत्म करें, ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।